हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे हमारा राजस्थान, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक इस वक्त स्कूल में चल रही है। तो उसके साथ में ही एक और बुक चल रही है राजस्थान जीके की, हमारा राजस्थान। तो उसी को हम कर रहे हैं। सिक्स क्लास हमने कंप्लीट की, सेवन्थ हमने कंप्लीट की, और आज हम एट्थ क्लास को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लास्ट चैप्टर के थोड़े से ही क्वेश्चन जो बाकी हैं उनको भी आज हम पूरा कर लेंगे, और उसके बाद कल से हम नाइन्थ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो नया आता है तो उसकी सूचना आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो बच्चे आरबीएससी की बुक पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो मैंने आप लोगों को करवाई थी, आप लोगों के पास होगी, आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारा राजस्थान जो मैंने यहाँ कराई है, प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है, हर चैप्टर आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बुक को पढ़ते हैं बिल्कुल एक एक चैप्टर करके, और उसके बाद हम उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी ऐसे होते हैं कि जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो वो जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा एक भी सिंगल लाइन जो है वह है क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में नहीं छोड़ी जाती है। सारे के सारे मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, एक पैराग्राफ में आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं सभी यहाँ लेती हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकेंड ग्रेड की करो, रीट की करो, आपको ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास छोटी क्लास समझकर आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। बेस यदि आपका कमज़ोर रह जाएगा तो आगे जो भी बड़ी क्लासेस होंगी उनको पढ़ने में आपको परेशानी आएगी। तो चलिए, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 55 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 56 है, चित्रशैली से क्या तात्पर्य है? चित्रशैली से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर चित्रशैली से तात्पर्य है चित्र बनाने की एक विशेष टेक्निक, ठीक है। एक विशेष तरीका होता है चित्र बनाने का, उसे ही चित्रशैली कहा जाता है। बनी ठनी चित्रशैली किस प्रसिद्ध चित्रशैली से संबंधित है? और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा है कि एक साल में जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं टीचिंग के, तो उसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो राजस्थान में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट्थ क्लास का लास्ट चैप्टर, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बनी ठनी चित्रशैली जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, ठीक है। और डिटेल में मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। चैप्टर आप देखिएगा, यदि आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वह समझ में ना आए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पिछले एग्जामों में, आप लोग उठाकर देखिएगा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो है वो इन्हीं बुक से आए हुए हैं। उदयपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं? उदयपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो कदम का वृक्ष, केले, हाथी, चकोर पक्षी और चित्रों में लाल रंग का प्रयोग। तो उदयपुर शैली की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इन चित्रों में आपको वृक्ष जो है वो कदम का वृक्ष मिलेगा, केले मिलेंगे, हाथी के चित्र मिलेंगे, चकोर पक्षी मिलेगा, ठीक है, और विशेषकर लाल रंग का प्रयोग इसमें मिलेगा। तो यहाँ लाल रंग का मतलब ये नहीं है कि पूरे चित्र में केवल लाल रंग मिलेगा, यहाँ पर विशेष तौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ शैली की क्या विशेषताएं हैं? किशनगढ़ शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो नारी सौंदर्य इसमें आपको दिखेगा, सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग और केले के वृक्ष, ठीक है। कोटा बूंदी शैली की क्या विशेषताएं हैं? कोटा बूंदी शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो लंबे खजूर के वृक्ष, नीले रंग का प्रयोग और सुनहरे रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि इस चित्र में खजूर के वृक्ष, नीले रंग का प्रयोग और सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है, तो उनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये किस शैली से संबंधित है। बीकानेर और जोधपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं? बीकानेर और जोधपुर शैली की क्या विशेषताएं हैं?
तो देखिए इसमें अधिकतर पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और रंग प्रयोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग होता है। और आम के वृक्ष बीकानेर और जोधपुर शैली की विशेषता है। फिर देखिए जयपुर और अलवर शैली की क्या विशेषताएं हैं। जयपुर और अलवर शैली की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें हमें मोर और घोड़ा, हरे रंग का प्रयोग, पीपल व वट वृक्ष और स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो यदि हम शैलियों से संबंधित जब हम लोग पढ़ते तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते, हमें मन ही नहीं लगता है ये चैप्टर ही इस टाइप का होता है। चित्र शैलियों से संबंधित कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब हम चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं फिर हमें इन क्वेश्चन आंसर में भी मजा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बारीकी तरीके से आप लोग यदि पढ़ाई करोगे, छोटी छोटी चीजों को भी ना छोड़ते हुए, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। आमेर यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर किसका प्रभाव झलकता है? आमेर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर किसका प्रभाव झलकता है? तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव झलकता है, और कारण मैंने आपको बता दिया था। राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, इनके समय में जो है मुगलों के साथ इन लोगों के संबंध रहे। ठीक है, तो हिंदू शैली जो है वो वहां पर गई, मुगल शैली जो यहाँ पर आई। तो इस तरीके से हिंदू और मुगल शैली का प्रभाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। 10th जो चैप्टर है आपका, इसमें 63 क्वेश्चन जो है वह निकल कर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि 9th क्लास का होगा। थैंक यू।